हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देखोगे, जैसे मैं यहां पे मेरा मोल्ड है, तो इस मोल्ड पे जो भी मैं स्टैंडर्ड नट्स बोल्ट, जो भी मैं चीजें यहां पे स्टैंडर्ड पार्ट्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, वो एक्चुअली मुझे मिलता कहाँ से है। ठीक है, तो मैं कैसे यूज करता हूँ, वो जो लाइब्रेरी है आज आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो है आपको अपना नाम का लाइब्रेरी बना रखा हूँ। देखो, मेरा यहाँ पे सेम डिजाइन जो मेरा लाइब्रेरी है, मैं आपको लाइब्रेरी में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखो, आपको हर एक स्टैंडर्ड का चीजें मिल जाएंगे, जो भी चाहिए आपको, नाच चाहिए, बोल चाहिए। इवन मान लो मैं डीन का स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाके मैं जगह सीधा यहाँ पे बोल्ट यूज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से ये चीजें काम करता है। जैसे मुझे साइज निकालना है, कितना साइज चाहिए मुझे, M10 का चाहिए। ठीक है, M10 में मुझे लेंथ कितना चाहिए, यहाँ पे मैं लेंथ भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे मुझे लेंथ जो है 30 mm का चाहिए, तो ये 30 mm का यहाँ पे देखो लेंथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा स्टैंडर्ड मैं कहाँ से यूज करता हूँ। मान लो मुझे काउंटर संग चाहिए, या मुझे कोई भी स्टैंडर्ड चाहिए, यहाँ पे सारा मैं यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह डाल रखा हूँ आपके हिसाब से। ISO में चाहिए तो आपको दिन में चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड भी अपना सेंस कर सकते हो। अगर आपको लगे कि मैं इसकी स्टैंडर्ड जो है सेंस करूँ, तो आप वो भी चीजें यहाँ पे सेंस कर सकते हो। अगर मान लो मैं स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, इसका मुझे कॉयल वगैरह सेंस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो पार्ट नंबर कौन सा है, ISO स्टैंडर्ड कितना है, तो सारा चीजें आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे। तो आज का जो ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी जो है मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो है बहुत सारा लाइब्रेरी वगैरह अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे मैं अगर मान लो कौन सा वाला वर्जन चाहिए आपको, मान लो NX12 का बात कर देता हूँ, तो NX12 में देखो मेरे पास कितना लाइब्रेरी है। ठीक है, NC मैट्रिक का है, आपका स्टैंडर्ड पार्ट का, बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरी देख पा रहे हो, जिसमें प्रोग्रेसिव का भी है, रिवर्स इंजीनियरिंग का है, मोल डिजाइन का भी है, ठीक है, डाई डिजाइन का भी है, बहुत सारा लाइब्रेरी है इसमें। ठीक है, तो इसमें से मैंने अपना खुद का एक लाइब्रेरी बना रखा हूँ, वो जो लाइब्रेरी है आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर NX12 भी नहीं, आप बताइए मुझे कौन सा चाहिए, आपको NX1926 चाहिए, तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी मेरा स्टूडेंट है उसको तो लाइब्रेरी वगैरह मिल जाता है, जो भी कोर्स वगैरह करते हैं उसको लाइब्रेरी वगैरह मैं फ्री में शेयर कर देता हूँ, उसके लिए मैं कोई अलग से फीस भी नहीं लेता हूँ। तो आज का जो लाइब्रेरी है आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे NX यूज करता हूँ, तो NX का देख पाओगे यहाँ पे सेम डिजाइन, मतलब मेरा नाम का जो है ना एक लाइब्रेरी बना रखा हो। तो आज जो लाइब्रेरी है वो आपको दूंगा, और कैसे इंस्टॉल करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको लास्ट तक देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं लाइब्रेरी है, आपको लाइब्रेरी को एक फोल्डर पर रख लेना है, जो भी आप लाइब्रेरी वगैरह यूज करते हो। जैसे मैं अपना लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, तो मैं लाइब्रेरी को आपको कोई भी आपका NX हो, NX आपके पास 19 हो, NX12 हो, NX10 हो, कोई भी है आपके पास NX, आप बिंदास जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे आपको लाइब्रेरी रखना है, यहाँ पे आप लाइब्रेरी एक फोल्डर पर रख लेना, फोल्डर को चेंज मत कर लेना। फोल्डर अगर नाम चेंज करते हो या फोल्डर की लोकेशन चेंज करते हो, तो बाद में ये चीजें आपका इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है, जो मेरा लाइब्रेरी है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो ये लाइब्रेरी है इसको कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले NX में जाना, जाने के बाद NX में आपको फाइल पे चले जाना, जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे यूटिलिटी, यूटिलिटी में जाके आपको कस्टम डिफॉल्ट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खोलने के बाद आप सबसे पहले कहाँ पे जाना, ये जो आप देख रहे हो ना जनरल जो है, ठीक है, जनरल पे चले जाना। ठीक है, तो जनरल पे जाऊंगा, जनरल पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे गेटवे का मेरा जो जनरल है मैं यहाँ पे चला गया। उसके बाद आपको यहाँ पे रीयूज देख पा रहे हो, यहाँ पे रीयूज लाइब्रेरी में आपको जाना है, रीयूज लाइब्रेरी में जो भी आपका लाइब्रेरी है उसको जाना है, फिर यहाँ पे आपको जनरल पे चले जाना है। ठीक है, जनरल के चले जाने के बाद आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिलेंगे, तो आपको किस में आना है, यहाँ पे देख पाओगे टीम सेंटर इंटीग्रेशन आता है, उसके नीचे आता है आपका नेटिव NX। ठीक है, तो आपको नेटिव NX में जाना है। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी खोलना है, खोलने के बाद जो लाइब्रेरी है यहाँ पे जितने सारा फाइल्स है, इस फाइल को यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया आपने, कॉपी करने की बात ये जो है आपको यहाँ पे जो आपके पास सबसे पहला वाला होगा, ठीक है, जो आपके पास होगा सबसे पहला वाला होगा, यहाँ पे जो सबसे पहला वाला आप देख पाओगे सबसे पहला वाला होगा, आपको क्या करना है मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टेप मिस करोगे लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगा। कस्टमर डिफॉल्ट में जाना है, जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, गेटवे में जाना है, गेटवे में क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहाँ, रीयूज लाइब्रेरी, रीयूज लाइब्रेरी में क्लिक करने के बाद आपको जनरल पे जाना है, जनरल पे जाने के बाद पहला वाला नेटिव NX नहीं है, ये आपको दूसरा वाला में आना, नेटिव NX जिसमें डिस्प्ले रीयूज लाइब्रेरी कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसमें जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करके इसको बैकस्पेस कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ तो मेरा वाला आपसे अलग से आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरा नाम लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाना। ठीक है, तो कैपिटल में देखो GIM डिजाइन, फिर डिजाइन स्पेलिंग में D कैपिटल में रहेगा, उसके बाद जो आपका यहाँ पे ये कल्चर आता है, जैसे शिफ्ट डाल के
जो बैक स्पेस के नीचे वाला बटन है ना, इसको आपको डाल देना, ठीक है, ये डाल देना, ये वाला स्पेस। उसके बाद जो आपने कॉपी करा है ना, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया आपने, कौन सा वाला कॉपी करा था, जो यहाँ पे लाइब्रेरी फोल्डर के है उसके अंदर जाके ये वाला को कॉपी कर लिया आपने। यहाँ पे होने के बाद आपको करना ये है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई कर दिया मैंने दोस्तों, देखो यहाँ पे आपका काम हो गया। अब आपको कहा जाना है रीयूजेबल कंटेंट में जाना है, कंपोनेंट में जाना है, रीयूजेबल कंपोनेंट, ठीक है। रीयूजेबल कंपोनेंट में गया, अब आपको अगेन जो है लाइब्रेरी गया था मैं, अब लाइब्रेरी पे चले गए। चले जाने के बाद अब जो पार्ट है, अब इस पार्ट की जो पार्ट लाइन है उसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया आपने, अब पार्ट पे जो ये लाइन है उसमें कॉपी कर लिया। अब ये जो आपकी देखते हो ना नेटिव एनएक्स यूजी एनएक्स, वो जो विंडो फाइल है, इस फाइल में चले जाओ। अब इस फाइल में जाने के बाद जो भी आपका यहाँ पे फाइल है, इस फाइल को यहाँ से आप हटा दो। हटा देने के बाद यहाँ सीधा पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट कर दिया, अब आपको ओके कर दो। ओके करने में ये वार्निंग आएंगे, फिर ओके कर देना। अब आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गया। अभी आपको करना है क्या, विंडो को काट देना, एक बार पूरा विंडो को कैंसिल कर देना। देने के बाद एनएक्स को नया से एक बार ओपन कर लो, एक बार एनएक्स को नया से ओपन कर लो, ठीक है। जब आप एनएक्स को नया से ओपन करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपका जो लाइब्रेरी है वो एक्टिव हो गया आपका। अब आप जो है बिंदास कोई भी चीज़ें यूज़ करना है तो यूज़ कर लो। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यूज लाइब्रेरी में जाऊँगा, जाने के बाद आपको दिख जाएगा सेम डिज़ाइन करके। सेम डिज़ाइन का क्या चाहिए आपको, अब बताइए आपको क्या चाहिए। जो भी चीज़ें सही है, मुझे ये वाला स्टे चाहिए, तो यहाँ पे मैं सीधा क्लिक कर दूंगा। आप ड्रैग करके भी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से कमांड हिस्ट्री मिल जाएगा, जो ऑलरेडी हमने बना रखा है। अगर आपको जाना है कि मैं इसकी एक्सप्रेशन में जाऊँगा, मान लो मुझे सेंस करना है, जैसे मेरा मॉड्यूल सेंस करना है, जैसे मुझे डायमीटर सेंस करना है, जो भी चीज़ें सेंस करना है यहाँ पे, आप जैसे मुझे पीच सेंस करना है, तो मैं यहाँ पे सेंस करके इसको मैं अपने हिसाब से सेंस कर सकता हूँ। तो ये था इसकी आपकी स्टैंडर्ड था। अगर मान लो आपका दूसरा कोई आइटम यूज करना है, लेट्स से मुझे जो है आईएसओ का हेक्सागन ये मुझे बनाना है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। आने की बात यहाँ पे आपको डायमीटर चाहिए, मैं इसको डायमीटर जो है M6 का ले लेता हूँ, और लेंथ जो लेता हूँ मैं 20 mm का ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब इनको जो इसके साथ मान लो असेंबली में काम कर रहा हूँ, आपको असेंबली में काम करना आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है कि मैं इसको कैसे ऐड करूंगा, बाय कॉन्स्टेंट ऐड करूंगा, ओरिजिन ऐड करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, मूव करके लगाऊंगा। बाय कॉन्स्टेंट लगा रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जैसे आप कॉन्स्टेंट लगाते हो, यहाँ पे देखो किस तरीके से पूछता है किस कॉन्स्टेंट में लगाना है। तो आप जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को जो है कॉन्स्टेंट करके भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट करके भी इसको आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगे नहीं मैं कॉन्स्टेंट से यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको मूव करके लगाना चाहता हूँ, तो आप जो है मूव करके भी लगा सकते हो। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया बना रखा हो आप लोग के लिए, ठीक है। तो कैसे भी हो आप यूज़ करना है, कांस्टेंट नहीं भाई, मूव करके मुझे लगाना है, तो मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूव का ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग इससे भी आपको कांस्टेंट लगा के लगाना है, आपकी मर्जी, जैसे आपको लगाना है असेंबली में काम करना है या डायरेक्ट लेयरिंग में काम करना है, वो आपकी मर्जी। तो सारा मैं इसमें बना के रखा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात होती है इसकी लिंक कैसे मिलेंगी, लिंक आपको जाओ मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं लिंक डाल रखा हूँ। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे कोई प्रॉब्लम आएगा तभी सपोर्ट मिलेगा। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और कहीं पे कुछ चीज़ें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।